हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बानिक एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आवर वेट इज ओवर। हम इंतजार कर रहे थे ASO के लिए और फाइनली ASO का जो टोटल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू ASO। यानी कि कहने का मतलब यह है, हम यहाँ पे बात करेंगे ASO में कितने सारे पोस्ट है, वैकेंसी, इसका पर्क्स क्या है, पे स्केल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात हो जाए गुड न्यूज़ की, तो ASO के वैकेंसी डिक्लेयर हो गए हैं। सर कितने वैकेंसी है? 202 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और इसका मैट्रिक्स मैं आपको समझा दूँ, सबसे पहले इनको ना चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला मान लो आ जाते हैं हमारे अनरिजर्व कैटेगरी। अब अनरिजर्व कैटेगरी में 202 में से 105 पोस्ट हैं। अब उन 105 पोस्ट जाने के बाद बाकी जो बते उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से कैटेगरी हैं सर? पहले आ जाएगा आपका स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इसके अंडर आपके आएंगे 23 पोस्ट। अब उसके बाद चले आइए, वहाँ पे आ जाता है आपका शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट में आएगा 22। और फाइनली आता है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब, उसमें 52 पोस्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन के बारे में। जो 202 पोस्ट हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया था 105 पोस्ट जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, उसमें से 35 पोस्ट जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, उसके बाद आता है स्पेशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो वहाँ पे 23 पोस्ट हैं, उनमें से 8 पोस्ट हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व हैं। सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए जब हम बात करें शेड्यूल कास्ट में, उसमें आपके 22 नंबर ऑफ सीट्स हैं जिनमें से 7 सीट वुमेन के लिए रिजर्व हैं। और अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें, उसमें से भी 17 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं आउट ऑफ 202 पोस्ट 67 पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब यहाँ पे और भी कुछ है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 सीट कंपलसरी है, रिजर्व किया गया है, और एक्स आर्मी पर्सन के लिए 6 सीट होते हैं। और फिर आते हैं हमारे PWD कैंडिडेट्स। PWD कैंडिडेट्स का मतलब होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 40% जिनका आता है उनके लिए आप बता सकते हैं 8 सीट्स आर रिजर्व। तो ये है आपका टोटल पोस्ट वैकेंसी और रिजर्वेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे बता दूँ, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है सर। क्वालिफिकेशन इज ओनली यू नीड ए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ऑफ एन ग्रेजुएशन, यानी BSc BA वगैरह, और उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट कम्स एज लिमिट। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो होता है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो आता है, मिनिमम आएगा लोअर लिमिट 21 ईयर्स, और द अपर लिमिट जो होता है शुड नॉट एक्सीड 32 ईयर्स एज ऑन 1st August 2021। अब अगर हम SC ST वेमेन कैंडिडेट्स के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। और अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो वहाँ के लिए उन लोगों के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो ये बन गया आपका एज रिलेशन। नेक्स्ट आ गया आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करें, व्हाट इज द एग्जाम फी। नॉमिनल अमाउंट रखा गया है, इट इज़ ओनली 500 रुपीज अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, SC ST हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर पेइंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम फीस, तो दे डोंट नीड टू पे इवन 1 रुपी फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट फिलअप करने की। तो उसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 18th February से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है 20th March तक रखा गया है। ठीक है, सो वी हैव टू फिल आवर फॉर्म ऑन दिस डेट, ऑन दिस टाइम फ्रेम। क्लियर। अब बात करते हैं हम ASO के पे स्केल के बारे में। तो इसका पे स्केल जो होता है उसका बेसिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35,400, और इसका अपर लिमिट कहाँ तक जा सकता है सर? सिक्स फिगर में जाएगा, 1,12,400 तक जा सकता है। तो ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव पे स्केल है, इट्स ए ग्रेट मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट। अब बात करते हैं ASO के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कई टायर है, यू कैन कॉल इट मल्टी टायर। सबसे पहले आपका आता है प्रिलिमिनरी, उसके बाद आएगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद आएगा कंप्यूटर, फिर आएगा आपका वाइवा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, उसके बाद आप बता सकते हैं मेन रिटन एग्जाम है, उसके बाद कंप्यूटर है। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये कंप्यूटर का जो है इसमें 50% थ्योरी आएगा, 50% कंप्यूटर स्किल सेट का एग्जाम आएगा, उसके बाद आएगा वाइवा। तो ये बन गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन पैटर्न रिटन एग्जाम के बारे में। तो रिटन एग्जाम का सिलेबस है, वहाँ पे सब्जेक्ट 3 है, वो है आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स, और आप बोल सकते हो जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स का भी 100 मार्क्स हैं और जनरल अवेयरनेस रीजनिंग का भी 100 मार्क्स हैं। इंग्लिश के लिए 2 आवर्स टाइम दिया गया है, मैथमेटिक्स के लिए भी 2 आवर्स हैं, जनरल अवेयरनेस और टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए आपका 1 आवर दिया गया है। अब इंग्लिश के कंटेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी बेस्ड ऑन एसे, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, रीट्रांसलेशन एंड ग्रामर।
उसी तरीके से अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे आपके अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। अब अगर हम बात करें कंटेंट वाइज जनरल अवेयरनेस और टेस्ट ऑफ रीजनिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स आएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स का आएगा, मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, बजट बोल सकते हो, फाइव ईयर प्लान बोल सकते हो, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर बोल सकते हो, ट्रिविया ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कल्चर आ सकता है, स्पोर्ट्स आ सकता है, जनरल साइंस आ सकता है। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर बेस करके आपके 1 आवर्स के अंदर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसको आपको इजिली सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट की। जैसे हमने बताया था कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट 100 मार्क का है, जिसमें से 50 मार्क्स आपका चला जाएगा थ्योरी में, 50 मार्क्स आपका चला जाएगा स्किल टेस्ट में, और हर सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट्स टाइमिंग बना गया है। अब बात करते हैं इस कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट के कंटेंट वाइज, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं पहले आपको बेस करके आएंगे ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फिर विंडोज़ के बारे में बात करो, फिर एमएस ऑफिस के बारे में बात करो, पार्टिकुलरली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में बात करो, फिर अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका फंडामेंटल, ओपन ऑफिस एप्लीकेशन के बारे में बात करो, इंटरनेट ऑपरेशन के ऊपर बात करो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करो, या फिर आप बता सकते हो डिजिटल एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, जैसे कि लैन हो गया, इथरनेट हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, वायरलेस बन गया, या फिर आप बता सकते हो डिजिटल सिग्नेचर, इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट आएगा। अब बात करते हैं वाइवा के लिए, तो वाइवा के लिए जो टोटल मार्क हैं वो हैं 40 मार्क्स। अभी 40 में से आपने जितना मार्क आपने सिक्योर किया है वो आपके टोटल रिटर्न मार्क के साथ ऐड किया जाएगा, लेकिन ये तभी होगा अगर आपने वाइवा में 40 में से 16 यानी कि 40% मार्क आपने रखे हैं मिनिमम, तभी ये मार्क आपका क्या होगा ना टोटल के साथ ऐड होकर, रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क के साथ ऐड होकर कैलकुलेट किया जाएगा फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आता है, अब समझिए कि दोनों को अगर वाइवा में दो कैंडिडेट्स को इक्वल मार्क मिले हैं तब प्रायोरिटी कैसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन में किसका मार्क ज़्यादा है। अभी रिटर्न में भी दोनों का सेम है, कहने का मतलब यह है कि रिटर्न में भी सेम है और आपका वाइवा में भी सेम है, तो फिर कौन से कैंडिडेट को प्रायोरिटी दिया जाएगा, यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा एज को, जो ओल्डर कैंडिडेट है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, दिस आर द रूल्स। अब बात करते हैं द वेरियस कोर्सेज दैट बानिक प्रोवाइड फॉर एएसओ एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर बैच है, आप रेगुलर नहीं आ सकते, हम आपके लिए वीकेंड बैच का भी इंतजाम कर रहे हैं, वी आर ऑफरिंग दैट। इफ़ यू आर इन जॉब तो हम जॉब होल्डर्स के लिए स्पेशल इवनिंग बैच करते हैं, आपका ऑनलाइन मीडियम प्रेफर है तो आप ऑनलाइन में दो ऑप्शंस को हमारे सैम से आप चूज कर सकते हैं, पहले आएगा ऑनलाइन लाइव क्लास, दूसरा आता है ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद नॉट ओनली ऑन थ्योरी बट ऑल्सो ऑन प्रैक्टिस, तो हम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लाइव प्रैक्टिस टेस्ट एंड डिस्कशन ये भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू दैट हम आपको प्रोवाइड करते हैं पोस्टल स्टडी कोर्स, एक्सक्लूसिव टेस्ट पैकेज, फिर एएसओ के सब्जेक्ट वाइज बुक एंड एएसओ के मॉक टेस्ट, ऑल ऑफ दिस वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द स्टूडेंट्स। सो कम जॉइन बानिक एंड फील द डिफरेंस, एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट परफॉर्मेंस फॉर यू एंड अ ग्रेट कैरियर फॉर यू। थैंक यू।